हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज का टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट का मतलब किसी ऑडिटर को बुलाना, अपॉइंट कर रहे हैं किसी ऑडिटर को। इसमें दो केसेस होते हैं, एक तो होती है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और एक होती है गवर्नमेंट कंपनीज। अगर हम जर्नल क्वेश्चन की बात करें, कोई भी जर्नल क्वेश्चन आता है, अभी आगे हम कवर करेंगे, तो हमें जब आंसर देना है तो अदर देन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों के हिसाब से समझाना है। अगर कोई केस स्टडी आती है तो हम हमेशा मान के चलेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन है गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट कंपनी का आंसर लिखेंगे, अगर केस केस स्टडी में कुछ भी नहीं गिवन तो हम अज्यूम करके चलेंगे दिस इज नॉन गवर्नमेंट कंपनी। आईसीआई के जो आंसर्स होते हैं उसके हिसाब से वही उसका आंसर होता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज लेकर चलते हैं केस स्टडीज में, अगर साइलेंट होता है तो। पहला केस है, पहला पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा, जब हम ऑडिटर के टेन्योर की बात करते हैं, मतलब अपॉइंटमेंट के बाद जब टेन्योर की बात होती है तो हम उसको फिक्स टेन्योर मानते हैं, एजीएम टू एजीएम का क्या मतलब है, जैसे एक साल होता है, एक साल में हमारा जैसे एक साल है 18-19 का, उसमें हमारी जो बीच में एजीएम हो रही है, ये होता है आपका मार्च 31, ये हो गया 31 मार्च, ये हो गई हमारी 1 अप्रैल। तो हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च उसका टेन्योर नहीं लेते, हम जो टेन्योर लेते हैं वो चलता है एजीएम टू एजीएम। इस एजीएम से मतलब 18-19 की एजीएम से 19-20 की एजीएम तक, यहाँ तक। तो एजीएम टू एजीएम हम उसका टेन्योर मानते हैं। और दूसरी चीज जो होती है वो होती है कि उस टेन्योर कंप्लीट होने से पहले जो ऑडिटर है वो रिजाइन कर सकता है और जो कंपनी है वो ऑडिटर को रिमूव भी कर सकती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। और अगर कोई एजीएम अगर एडजर्न हो गई, एडजर्न का मतलब होता है जैसे हमने लॉ में पढ़ा था कि जो कंडीशंस होती हैं वो पूरी नहीं हुई, ठीक है, तो एडजर्न हो गई, अगर मीटिंग एक हफ्ते बाद एडजर्न हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अरे एजीएम टू एजीएम उसका टेन्योर होता है तो एजीएम तो हुई नहीं, एक हफ्ते बाद एडजर्न हो गई तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई। कैजुअल वैकेंसी में हम बाद में पढ़ेंगे, तो कैजुअल वैकेंसी नहीं क्रिएट होगी, एक हफ्ते बाद अगर एडजर्न हुई है मीटिंग, एजीएम अगर एडजर्न हुई है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा टिल कंक्लूजन द एडजर्न मीटिंग, एडजर्न एजीएम, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में, इसका एक मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मैट्रिक्स बना लेते हैं इसका। जो हमारा अपॉइंटमेंट है वो दिया हुआ है हमें सेक्शन 139 के अंदर। पहले आता है हमारा फर्स्ट ऑडिटर, फिर आता है हमारे सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर मतलब कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई उसके बाद ऑडिटर, फिर आता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर, आपने पढ़ा होगा। फिर बात करते हैं अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज की, और फिर बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की। ये जो होता है ये होता है 139 सबसेक्शन 6, ये होता है 7, ये होता है 1, ये होता है 5। तो ये वो मैट्रिक्स है जिसकी वजह से आपको जल्दी याद हो सकता है कि कौन कब किस सेक्शन में आता है। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑडिटर की। फर्स्ट ऑडिटर के अंदर पहले आता है अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज, फिर आता है गवर्नमेंट कंपनीज। पहले हम बात करेंगे अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज, फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये जो हो गया, ये टॉपिक नहीं है हमारा, हमारा है 139 सबसेक्शन 6, इसकी हम बात कर रहे हैं अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज और फर्स्ट ऑडिटर की। इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा कि फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। विद इन कितने डेज, 30 डेज, जब से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर इनकॉर्पोरेशन होता है वो बोर्ड अपॉइंट करते हैं। अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो कौन अपॉइंट करता है, फिर अपॉइंट करते हैं हमारे मेंबर्स इन ईजीएम। प्लीज रिमेम्बर दिस ईजीएम, यहां पर जो वर्ड यूज कर रहा हूं ईजीएम, ये बाद में जो दूसरे केसेस हैं उनमें कुछ और है, इसलिए यहां पर ईजीएम मार्क कर लें, इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं हाईलाइटर से, आप भी अपने नोट्स में कर लें। अगर बोर्ड फेल हो गया 30 डेज के अंदर तो मेंबर्स करेंगे इन द ईजीएम विद इन नेक्स्ट 90 डेज के अंदर। मैं इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इफ बोर्ड ऑफ द कंपनी फेल्स टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर देन फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय मेंबर्स
ऑफ द कंपनी विद इन नेक्स्ट 90 डेज ऑफ द इन एजीएम। अब क्या होता है, पहली बात ये जो नेक्स्ट है ना, ये हमारे बेयर एक्ट में नहीं लिखा गया, लेकिन इसको पढ़ा ऐसे ही जाता है नेक्स्ट। अगर आप एग्जाम में नेक्स्ट लिख देते तो कोई गलत नहीं है। जो टेन्योर होता है, अब इस केस में अगर टेन्योर की बात करी जाती है, तो टेन्योर जो होता है ना फर्स्ट ऑडिटर का, फर्स्ट ऑडिटर आया तो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। बस उसको ऑफिस तभी तक होल्ड करेगा जो फर्स्ट एजीएम होगी। अरे अभी तक तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया, इनकॉर्पोरेशन किया, अभी थोड़ी ना एजीएम हुई है। जब एजीएम हो जाएगी तब उसका भी टेन्योर खत्म हो जाएगा, किसका, फर्स्ट ऑडिटर का। अब जब फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर खत्म होगा, अब शुरू होगा किसका टेन्योर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का, उसका अपॉइंटमेंट हम बाद में सीखेंगे। आगे चलते हैं, आगे है 139, कौन सा सेक्शन, सबसेक्शन, सॉरी 7 सबसेक्शन, मतलब फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है, फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय सीएजी विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। कितने डेज, 60 डेज, कब से, जब से इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन हुआ है। इफ सीएजी फेल्स टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, देन फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। लेकिन अगर बोर्ड भी फेल हो गया तो क्या होगा, इफ बोर्ड ऑफ द कंपनी फेल्स टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, देन द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय मेंबर्स ऑफ कंपनी इन ईजीएम। यहां भी हम मार्क करेंगे इन ईजीएम, कम ऑन, इन ईजीएम। डेज कोई गेस कर सकते हैं, याद आ रहा है, इन 60 डेज। तो पहले हमारे केस में जो था वो था अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज में 30 डेज एंड 90 डेज, पहला था बोर्ड, फिर थे मेंबर्स इन ईजीएम। अब है सीएजी 60 डेज, बोर्ड 30 डेज, मेंबर्स 60 डेज। एक बार जो मैंने इंग्लिश में बोला है ना, अगर वो पेपर में एग्जैक्ट लिखोगे वो भी ठीक है, एक बार अगर वीडियो को शुरू से देखना हो तो देख लेना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर क्वेश्चन तुम्हारा आया, एक जर्नल क्वेश्चन आया, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो प्रोविजंस लिखने हैं फर्स्ट ऑडिटर के, तो आपको 139 सबसेक्शन 6 और 7 दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे क्योंकि जर्नल क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपकी केस स्टडी आई, केस स्टडी मैं दिखाता हूं, आपकी केस स्टडी आई, ये 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुकी है, जैसे कंपनी ए लिमिटेड थी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 अप्रैल 2016 का, ऑन 10th of April 2016 एमडी जो था ए लिमिटेड का, उसने अपॉइंट करा एक्स को एज अ फर्स्ट ऑडिटर। पहली बात केस स्टडी है, केस स्टडी है और कुछ भी नहीं गिवन, साइलेंट केस है, तो हम मानेंगे ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। अब नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, भाई साहब एमडी कैसे कर सकता है, तो आंसर लिखेंगे अपॉइंटमेंट इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि एमडी ने अपॉइंटमेंट करी है वो गलत है, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, रीजन में लिखकर आएंगे पूरा का पूरा 139 सबसेक्शन 6, दोनों पॉइंट्स लिखकर आएंगे। जो टेन्योर वाला पॉइंट है वो चाहे मत लिखना, लेकिन पूरा का पूरा वैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर बात होती है केस नंबर 2 की, वो क्या आंसर होगा आपका, अगर 10 मई को बोर्ड ने अपॉइंट किया है तो आंसर है इनवैलिड, क्योंकि जो डेज है, नंबर ऑफ डेज है, वो होते हैं बोर्ड के 30 और मेंबर्स के 90 डेज। लेकिन बोर्ड के जो 30 डेज है इनकॉर्पोरेशन के बाद, 30 डेज तो कंप्लीट हो रहे हैं, बल्कि 40 डेज कंप्लीट हो रहे हैं, सो यहां पर है इनवैलिड। मेंबर्स अपॉइंट करेंगे और रीजन में आपको दो सारे पॉइंट्स लिखने होंगे टेन्योर को छोड़ के, जितने भी पॉइंट्स बताए थे। फिर है केस नंबर 3, यहां पर कह रहा है कंपनी है ए लिमिटेड, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 अप्रैल 2016, मिस्टर एक्स अपॉइंटेड एज फर्स्ट ऑडिटर बाय मेंशनिंग हिज नेम एंड हिज टेन्योर एज फर्स्ट ऑडिटर इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, आंसर है इनवैलिड। अरे ये क्या कर रहे हो साहब, ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो, पहली बात केस स्टडी है तो हम मानेंगे कि नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है और इसके दोनों केसेस समझा देने हैं, लेकिन ये गलत है, उसने फर्स्ट ऑडिटर आया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नेम लिख देगा, ऐसे थोड़ी ना है, बच्चे इसमें सेंटी हो जाते हैं, आंसर में क्या लिखते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं लिख सकता, हमें ये सब नहीं लिखना, हमें बस दिखाना है इनवैलिड है और अपना रीजन दे देना है, कौन सा रीजन, जो हमने बेयर एक्ट में अभी पढ़ा था, जो अभी मैंने डिटेट किया था, जल्दी जल्दी में बताया था, वो हमें रीजन में लिख देना है।
अच्छा एक बार गवर्नमेंट का रिकॉल करते हैं, गवर्नमेंट का क्या था, सीएजी करती है 60 डेज में, सीएजी फेल हुई तो बोर्ड करता है 30 डेज में, बोर्ड फेल हुआ तो मेंबर्स करते हैं 60 डेज में। एक क्वेश्चन पता है एक बार क्या आया था, ये केस नंबर 4 में डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन आया था एक कंपनी है ए लिमिटेड और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। अच्छा कई बच्चे पता है क्या होता है, मैंने अभी जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कंपनी ए लिमिटेड, मैंने कहा था कि कुछ नहीं लिखा तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी मान लेना, कई बच्चे होते हैं सर प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं लिखा हुआ था वो कैसे, अरे मैं पब्लिक और प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, यहां मैं गवर्नमेंट और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज ऐसे काफी बच्चे गलतियां कर देते हैं, पेपर में सेंटी हो जाते हैं, अरे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हुआ, बस लिमिटेड लिखा हुआ है, ये तो गवर्नमेंट कंपनी होगी, अरे गवर्नमेंट कंपनी नहीं वो पब्लिक कंपनी होती है। अच्छा यहां पर देखेंगे केस फोर्थ केस, और फोर्थ केस में क्या बोला हुआ है, देखो फोर्थ केस में बोला हुआ है कंपनी है ए लिमिटेड और एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंटमेंट करी है मिस्टर एक्स की, मिस्टर एक्स की एज फर्स्ट ऑडिटर, क्या ये ठीक है। अब पता है इधर बच्चे क्या क्या आंसर लिखते हैं, मैं बताता हूँ बच्चों की सच में शीट्स में क्या क्या आंसर होते हैं, कमेंट करना है। कई बच्चे लिखते हैं आंसर सही है वैलिड है, और रीजन क्या लिखते हैं वो भी तो सुनो, कहते हैं सीएजी फेल हो गया होगा, आपने 30 दिन के अंदर नहीं कर पा सॉरी 60 दिन के अंदर नहीं कर पाया होगा तो बोर्ड ने बाकी के 30 दिनों में कर दिया होगा, तो आंसर तो सही है। अब कई बच्चे कहते हैं नहीं नहीं गलत है, और आंसर क्या लिखते हैं वो तो और भी फनी है, कहते हैं सीएजी फेल हो गया होगा 60 डेज में, और जो बोर्ड है वो अपने नेक्स्ट 30 डेज में भी फेल हो गया होगा, और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज ने बोर्ड में ये सिलेक्शन कर लिया होगा तो ये इनवैलिड है। पता है ऐसे क्वेश्चन को है ना जर्नली जर्नल क्वेश्चन समझना है, मतलब नहीं जर्नली एक्सेप्ट करना है इसको, और जर्नल एक आंसर लिखकर आना है, सेंटिमेंटल हमें यहां पर नहीं होना कि करेक्ट होगा तो ऐसे करेक्ट होगा, गलत होगा तो ऐसे गलत होगा, अपनी मतलब कलाकारी वहां मत दिखाना। आंसर एक सिंपल सा लिखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या होता है असलियत में क्या होता है, सीएजी के 90 सॉरी सीएजी के 60, फिर बोर्ड के 30, फिर मेंबर्स के ईजीएम में 60, ठीक है 60 30 60, हमें करना है कि बोर्ड से विद इन 60 डेज में, मतलब जो इफ अपॉइंटमेंट हैज अपॉइंट सॉरी इफ बोर्ड हैज अपॉइंटेड फर्स्ट ऑडिटर विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो ये आंसर है इनवैलिड, क्योंकि हम बोल देंगे कि जर्नली बोर्ड ने शायद 60 डेज में कर लिया है वो इनवैलिड है। फिर हम अपने रीजन शो करेंगे जो कि हमें बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, प्लीज गाइज रीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम रीजन है उनको लिखो ना, क्यों अपने फालतू में एक्सप्लेनेशन में टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधा डालो इनवैलिड और अपने रीजन लिख कर आ जाओ, छोड़ो बाहर बात की चीजों को, तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा, तुम्हें 2 नंबर फुल मार्क्स मिलेंगे, और ये जो दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना 16 नंबर के, इनको वेस्ट वेस्ट मत समझो, दे आर वेरी स्कोरिंग। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इस मैट्रिक्स को देखते हैं, मैट्रिक्स में हम कहाँ पहुंच गए, 6 और 7 तो हमारा हो गया, अब बात चलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे हुआ, जैसे अब एजीएम टू एजीएम था, जैसे सेकंड एजी मतलब फर्स्ट एजीएम आई कंपनी की, पहला ऑडिटर तो चले गया, अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है, देखते हैं क्या होता है। पहले हम सीखते हैं गवर्नमेंट कंपनी में कैसे होता है, मतलब सबसेक्शन 5 की, वो थोड़ा इजी भी है। सबसेक्शन 5 की बात करते हैं, 139 सबसेक्शन 5 कहता है सीएजी, सीएजी अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज में, और 180 डेज किसके, कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कमेंसमेंट ऑफ सॉरी कमेंसमेंट ऑफ जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, ऑफ फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू ऑडिट, जो सब्जेक्ट टू ऑडिट है उसकी कमेंसमेंट से, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1/4/2018 और यह है 31/3/2019, बीच में हुई एजीएम सितंबर में, मतलब 31 सितंबर को एजीएम हुई तो हमें सॉरी 30th होता है, 30th सितंबर में एजीएम हुई तो हमें जो 180 डेज देखने हैं ना वो सब्जेक्ट टू ऑडिट देखने हैं, इस ईयर में अगर हुई है ना तो इसका जो स्टार्टिंग टाइम है ना उसके 180 डेज देखने हैं, ये वाले 180 डेज देखने हैं, तब से तब उन 180 डेज में सीएजी अपॉइंट कर सकता है, और इसकी जो वो होती है मतलब जो टेन्योर होता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है। इसको मैं कॉपी से ही करवा देता हूँ, जल्दी जल्दी करवा लेता हूँ, बहुत टाइम हो गया। अच्छा 139 सबसेक्शन 5 का है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय सीएजी विद इन 130 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच इज सब्जेक्ट टू ऑडिट, और
और उसका वो क्या होता है, टेन्योर कितना होता है, प्लीज टेन्योर यहाँ पर ध्यान दे लेना, बस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक होता है ये, सब्सिक्वेंट ऑडिट के केस में है। लेकिन जब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात आती है सबसेक्शन वन की, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दें। एवरी कंपनी शैल अपॉइंट ही सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन इट्स फर्स्ट एजीएम, पहली एजीएम में करेंगे, एंड सच एजीएम, यहाँ ऊपर वाले केस में क्या था, वो तो 180 डेज का अलग केस है, यहाँ पर क्या है, पहली एजीएम में करेंगे, और कौन करेंगे, मेंबर्स करेंगे, और किस में करेंगे, एजीएम में। प्लीज गाइस, पहले जो मैंने केस करवाया था फर्स्ट ऑडिटर में, उसमें मेंबर्स जब भी आ रहे थे ईजीएम लेकर आ रहे थे, लेकिन यहां पर मेंबर्स कर रहे हैं इस पहली एजीएम में ही, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है, बिफोर मेकिंग अपॉइंटमेंट इन एजीएम कंपनी ऑप्टेन करेगी एक रिटर्न कंसेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, किससे, प्रपोज्ड ऑडिटर से। भाई पहले ही तू रिटर्न कंसेंट और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी ले अपना, फिर कंपनी इंटीमेट करेगी सब्सिक्वेंट ऑडिटर और फाइल करेगी फॉर्म नंबर ADT 1 किसको, ROC को, विद इन 15 डेज ऑफ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर की हो रही है। टेन्योर कितना है भाई, टेन्योर इसका ज्यादा है, बस टेन्योर इसी केस में ज्यादा है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में 139 सबसेक्शन 1 में टेन्योर कितना है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर विल बी कब तक रहेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। सिक्स्थ एजीएम का 6 साल मतलब नहीं है, 5 साल, कैसे, पहली एजीएम तो अभी की एजीएम हो गई ना, इसके बाद अगली 6 एजीएम तक, मतलब 5 साल का टाइम पीरियड है, एंड देयर आफ्टर टिल कंक्लूजन ऑफ एवरी सिक्स्थ एजीएम, उसके बाद भी हर एजीएम सिक्स्थ एजीएम तक। इसको मैं जल्दी जल्दी सिखा देता हूँ, ये काफी बच्चे समझ नहीं पाते क्या होता है। ये है, अभी है फर्स्ट एजीएम, ठीक है, फर्स्ट एजीएम के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एजीएम तक इसका टेन्योर है, तो कितने साल हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 4, 7 साल, 5 साल, बस 5 ही तो साल हुए, 6 साल नहीं है, ठीक है। फिर है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विल बी सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड, जो मतलब अब क्या हुआ, 1 साल बाद जब दूसरी एजीएम आएगी तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, जो उसकी अपॉइंटमेंट है वो रेटिफाइड होगी, इसको वर्ड यूज करते हैं रेटिफाइड है, ठीक है, अभी मेरे पास दूसरा हाईलाइटर नहीं है, रेटिफाइड होगी। एक होती है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट हो गई, रीअपॉइंटमेंट का मतलब है अब इसकी जगह किसी और की रीअपॉइंटमेंट हो रही है, रेटिफाइड का मतलब होता है इसी ऑडिटर की जगह यही ऑडिटर दोबारा मतलब लिया जा रहा है, तो एक बार रेटिफाई करते हैं। अब रेटिफाई कैसे करते हैं, बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स, ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक मिनट। हाँ, एक चीज और थी, अगर वो रेटिफिकेशन नहीं हुई ना बाय द मेंबर्स, देन अ कैजुअल वैकेंसी विल बी अराइज इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी। हाँ, अगर रेटिफिकेशन नहीं हुई हर साल, जैसे इस साल मैंने अपॉइंट कर लिया एजीएम में अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज में, अगले साल मैंने रेटिफिकेशन नहीं करी, तो भाई बाय बाय, रेटिफिकेशन नहीं करी, ऑडिटर भी नहीं बताने आया कि हाँ भाई मेरे को रेटिफाइड कर दो, तो इसका मतलब है कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, अब वो फिल होगी, फिल अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन। अब ये प्रोविजन पढ़ेंगे कि कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होती है, बाद में पढ़ेंगे, 139 सबसेक्शन 8 के अंदर आता है, फिर वो कौन करेगा, बोर्ड करेगी। और ये जो ADT 1 की बात हो रही है ना, ADT 1 फॉर्म, ये बस अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट के वक्त ही फाइल होता है, ये रेटिफिकेशन के वक्त का फाइल नहीं होता। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट का मतलब पहला अपॉइंटमेंट और बाद में सब्सिक्वेंट को कर रहे हैं, जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर, पहला ऑडिटर जो होता है वो तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद आता है, लेकिन पहला ऑडिटर जब रिटायर होता है ना, कब रिटायर होता है, सॉरी, या रीअपॉइंट होता है, रीअपॉइंट कब होता है, दूसरा ऑडिटर मतलब सब्सिक्वेंट, मैं एक बार दिखाता हूं, जैसे क्या हुआ, हमारी कंपनी यहाँ रजिस्टर हुई, ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर हुई, यहाँ पर रजिस्टर हुई, यहाँ पर जो ऑडिटर आया वो आया फर्स्ट ऑडिटर, इसके बाद फर्स्ट एजीएम तक वो ऑडिटर है, इसके बाद जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर आ रहा है ना, इसके बाद इसका 5 साल का टर्नओवर होने के बाद जो दोबारा ऑडिटर आएगा वो भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर ही कहलाया जाता है। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने ये टाइटल में भी लिख दूंगा, ऑडिट कमिटी सेक्शन 177 है हमारे ऊपर, जो एप्लीकेबिलिटी हमारे सिलेबस का पार्ट है, कभी भी पेपर में आ सकते हैं, शॉर्ट नोट लिखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी पे, अगर ना भी आए तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। एप्लीकेबल किस किस के ऊपर है, जल्दी जल्दी बताऊंगा, ऑल द लिस्टेड कंपनीज, सारी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, और अदर प्रिस्क्राइब कंपनी, अदर प्रिस्क्राइब कंपनी कौन सी है, पहला अनलिस्टेड कंपनीज है, अगर उनकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
इसको अंडरलाइन कर दो, रट लेना। समझ आया कुछ? एप्लीकेबिलिटी कर रहे हैं ऑडिट कमेटी की, लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है और उन कंपनीज पे है जो अनलिस्टेड है, लेकिन ये सारी चीजें का मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी कंडीशन? पीटीओ। पीटीओ का कोड याद रखना, पीटीओ का कोड तो बड़ा देखा है पेजेस के एंड में, बचपन में तो बच्चों को पीटते रहते थे इन इसी नेम के चक्कर में। पीटीओ मतलब पी से पेड अप शेयर कैपिटल, अगर 110 करोड़ से ज्यादा हुई या इक्वल हुई, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हुई या इक्वल हुई, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स और लोन्स और बोरोइंग एक्सीड कर रही है या और ज्यादा है 50 करोड़ से। एक तो ये बेयर एक्ट में गलत लिखा हुआ है, एक्सीड और मोर देन 50 करोड़ है, एक ही चीज लिख देते, मोर देन 50 करोड़ लिख देते या एक्सीड लिख देते। ठीक है, यहां से टॉपिक खत्म नहीं होता। एक है 139 सबसेक्शन 11, ये ऑडिट कमिटी से रिलेटेड है। ये क्या कहता है? बिफोर मेकिंग एनी अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट, जब भी हम अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट करते हैं तो, या फिर कैजुअल वैकेंसी की अपॉइंटमेंट करते हैं, तो हमेशा ऑडिट कमेटी की भी रिकमेंडेशन ली जाती है, कंसीडर होती है। अगर बोर्ड सेटिस्फाई नहीं है, बोर्ड डिपार्चर लेता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, तो उसको रीजन भी बताना पड़ेगा कि क्यों वो डिपार्चर ले रहा है। ठीक है, ओके, बाय बाय।